सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। और हम एचसीएस 2024 के प्रीलिम्स की तैयारियों में जुड़ चुके हैं अभ्यास के साथ। जैसे कि आप सबको पता है अभ्यास क्या है, अभ्यास के थ्रू हम एचसीएस की प्रिपरेशन करने वाले हैं हर सब्जेक्ट की। जैसे अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं, आज हम परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा इसके पहले कि होता क्या है। जैसे परसेंटेज की मैं बात करूँ ना, देखो मैं आपको बेसिकली बताऊँ, जैसे हम परसेंटेज की बात करें, एक से दो क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, यानी तीन से चार क्वेश्चन का इसमें बैठ सकता है। जैसे मैं भी दिखाऊँ, एक से दो क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने हर साल, ठीक है। जैसे आप बात करो रेशन प्रपोर्शन, रेशो प्रपोर्शन का भी एक से दो क्वेश्चन रहता है, इसमें डीआई भी अच्छी खासी आती है आजकल, ठीक है। सो इसी तरीके से हर चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले जाके, ठीक है। क्योंकि अगर हम पैटर्न को देखें, कई बार क्या होता है एचसीएस में, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप एचसीएस को, खासकर अगर मैं सी सेट की बात करूँ, अच्छे ढंग से करना चाहते हैं ना, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूँ क्वांट, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 से 7 साल के प्लीज मत छोड़िए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन 5 से 7 सालों में जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं उसको मैं हर सेशन में अच्छे से डिस्कस कर सकूं, क्लियर। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। बट उसके पहले क्या है मेरे पास, देखिए, नंबर वन इंस्टीट्यूट इन एचसीएस प्रीलिम्स, 41 प्लस सिलेक्शन इन 2021 एंड 27 प्लस सिलेक्शन इन 2022। तो 2021 में हमारी 41 प्लस सिलेक्शन थी, 41 बहुत बड़ा नंबर है। इस बार 27 प्लस है, थोड़ा सा कम नंबर, क्यों, क्योंकि इस बार बच्चों को भी कमी बुलाया गया था, आपको पता है, ठीक है। तो एचसीएस प्रीलिम्स फास्ट ट्रैक बैच, ये लाइव बैच है बेटा, वो 75 डेज का कोर्स है टोटल प्रीलिम्स की बात करें। फीस इसकी थी 45,000, जो कि रिड्यूस करके कितनी कर दी गई है, 35,000। ऑफर वैलिड बिफोर बैच स्टार्ट, यानी ये बिल्कुल लिमिटेड टाइम का। और आपका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 21 नवंबर, जी हाँ, बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर से, क्लियर। तो प्लीज इस ऑफर को अवेल कीजिए। और ये एक बहुत अच्छा बैच है जो प्रीलिम्स को फोकस करके बनाएंगे, तो प्लीज अगर आपने एचसीएस का सपना देखा है तो प्लीज उसे पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 41 से ज्यादा बच्चे और यहाँ पे 27 से ज्यादा बच्चे अपना सपना पूरा कर चुके हैं अभिमन्यु आईएएस के साथ, क्लियर। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के साथ परसेंटेज के पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो फास्टैग बैच है उसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, जो 21 हमारा नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, आपको लाइव क्लासेस मिलने वाले बेटा इसमें, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, बाई चांस आप ना लगा पाएं तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। नेक्स्ट आपको इसमें सी सेट की क्लासेस मिल रही हैं, डन। नेक्स्ट आप में क्या है, रिविजन क्लासेस मिल रही हैं आपको। नेक्स्ट आपका टेस्ट सीरीज है और आपके पास मेंटरशिप है, तो ये आपको इतना कुछ सब मिल रहा है, क्लियर। चलिए चलते फिर आप आगे देखते हैं क्या हमारे पास। चलिए जी, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये एचसीएस 2021-22 का क्वेश्चन था हमारे पास। एक्स इज 8% मोर देन वाई एंड वाई इज 20% लेस देन जेड, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 एंड जेड ग्रेटर देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन जेड। देखो आपको लग रहा होगा कि एक छोटी सी कंडीशन है, कौन से वाली, ये एक्स ग्रेटर देन जेड। बच्चों ने यही गलती की जब ये एग्जाम के बाद बच्चा है ना कि सर क्वेश्चन तो अच्छा था, हम पहुंच भी गए थे, बट हमें ये नहीं पता चला इनिशिएटिव कैसे करना है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। बेसिकली क्या था इस क्वेश्चन में, जब आप ग्रेटर देन लेस देन देखोगे ना, वो हर क्वेश्चन में है, सॉरी हर ऑप्शन में। इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला जो मेरे पास सिनेरियो आ रहा है, मुझे इसको यूज करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पास कोई कंडीशन बैठ नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन मैं यहां से नहीं बता पाऊंगा पहले से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से। एक्स इज 8% मोर देन वाई, देखिए अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स मेरे पास क्या है, एक्स इज 8% मोर देन वाई, यानी वाई प्लस ए बाय 100 ऑफ वाई, यानी एक्स की अगर मैं बात करूं वाई इंटू ऑफ 1 प्लस ए बाय 100 सॉरी ए अपॉन 100, यानी एक्स मेरा क्या है वाई टाइम्स 100 प्लस ए डिवाइडेड बाय 100। ये मेरे पास सीधी सीधी वैल्यू किसकी आ गई, एक्स की, जो मुझे बाद में देखना है
कि इसको मैं यूज कैसे करूंगा। क्लियर। तो सबसे पहले वैल्यू को हम देखते हैं कि यूज तो बाद में की जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया मुझे, वाई इज बी परसेंट लेस देन जेड, यानी अगर वाई की मैं बात करूं, जेड का बी बाय हंड्रेड ऑफ जेड, यानी वाई की वैल्यू कर दूं जेड टाइम्स ऑफ वन माइनस बी बाय हंड्रेड, यानी वाई इज इक्वल टू जेड टाइम ऑफ 100 माइनस बी अपॉन 100। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई। बट मुझे क्या बोला है, x और z को मुझे कंसीडर करना है। तो यहां से z क्या होगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 y अपॉन 100 माइनस बी, ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, मेरी z की। नाउ आई कैन कंपेयर दीज वैल्यूज। हम मुझे क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन z, x कितना है मेरे पास, x है मेरे पास, देखिए यहां पे ध्यान से, y इंटू ऑफ 100 प्लस a अपॉन 100 ग्रेटर देन 100 y अपॉन 100 माइनस बी। ठीक है जी, ये मेरे पास एक इक्वेशन, एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो चुका है। देखो y की टेंशन नहीं है, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या आता है, यार ये तो a और b में पूछा हुआ है और जो मेरा x और z आएगा वो तो इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है। बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो y से y कैंसिल आउट इजीली हो जाएगा। क्लियर, होपफुली आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखो मेरे पास क्या बचा, 100 प्लस a अपॉन 100 ग्रेटर देन 100 अपॉन, डरो मत, बस सॉल्व करते हुए ना, कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करते हुए डरना नहीं, जहां डर गए वहीं काम खत्म हो गया। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, कितना है 100 प्लस a इनटू 100 माइनस b ग्रेटर देन 10 रेस पावर कितना आ गया 4। चलिए तो ये कितना आ गया 100 10 रेस पावर 4 आ गया, माइनस ऑफ 100 b प्लस 100 a माइनस ऑफ ए बी ग्रेटर देन 10 रेस पावर 4। अब आपको पता अच्छे से क्या करना, भाई से कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास क्या बचा 100 a ग्रेटर देन ए बी प्लस 100 b। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ गया मेरा, अगर मैं इसे b कॉमन लेता हूँ कितना आया 100 प्लस ए। तो क्या मेरे पास ये फाइनल रिलेशनशिप आया, यस yes। इसके आगे अब मैं इसका सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ ऑप्शन चेक करने। तो देखिए 100 ए कहाँ पे, 100 ए मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर बच्चों उस क्वेश्चन का। क्लियर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, बिकॉज हम यहाँ पे कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्लियर, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो मिस्टर हर्षल स्पेंड 40% of his savings on the medical expenses for his wife Mrs. Basha, ठीक है, he also spent 20% each of the remaining amount on his three daughters on their education, from the remaining half of it was spent for a family trip and the amount remaining in his savings accounts is rupees 12,000, how much money did Mr. Herschel had initially। ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर, कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, सिंपल सिंपल विल गो फॉर परसेंटेज। देखिए मैं कहता हूं मेरे पास क्या था 100% था सबसे पहले, उसने क्या किया 40% कहां गया मेडिकल बिल, 40% की बात करें आपके पास गया। अब वो क्या कह रहे हैं, ही ऑल्सो स्पेंट 20% ईच रिमेनिंग ऑन, इसका मतलब उसके पास अब तीन क्या है, तीन प्यारी प्यारी बेटियां उसकी, डॉटर वन भाई डॉटर टू एंड डॉटर थ्री। उसने क्या बोला रिमेनिंग का 20%, देखो 100 में से 40 गया कितना बचा विल 60% बचा, इसका कितना, इसका कितना बेटा 20%, तो 6 × 12 तो कितना, यानी हर बिटिया को कितना मिला 12% 12% एंड 12%। क्लियर, देखो अब मेरे पास क्या हुआ 40 बढ़ दे 36 और 40 कितना हुआ मेरे पास 76, तो अब मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा
हाँ जी, ये कितना बचा? 3676, तो ये कितना बचा? 24% रिमेनिंग बचा, क्लियर। अगर 24% रिमेनिंग बचा तो मुझे वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द रिमेनिंग हाफ ऑफ इट वॉज स्पेंड फॉर अ फैमिली ट्रिप। अब इसका हाफ कहाँ गया? इसका हाफ यानी कितना है? इसका 12% कहाँ गया? फैमिली ट्रिप। और इसका 1/2 कहाँ गया मेरे पास? ये बचा रिमेनिंग, यानी कितना? 12%। होपफुली ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी, क्लियर। तो इसका मतलब उसके पास अब रिमेनिंग कितना बचे अकाउंट में? 12,000। वहां पे कितना बच गया, यानी क्या अकाउंट 12% ऑफ टोटल इज इक्वल टू कितना है? 12,000। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई? 1,000। मुझे 100% की वैल्यू बताने कितनी आएगी? ऑप्शन नंबर बी 1,00,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा इसको आप ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाना चाहते तो इजीली आप यहां से कर सकते हैं, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखो इसका एक और तरीका बड़ा आसान सा मैं बताता हूं आपको, होपफुली ये तो समझ आई गया होगा, तो बड़ा आसान सा था, अगला भी समझ आएगा। देखो उसने क्या बोला कि मेरे पास जो टोटल अमाउंट है उसने 40% खर्चा, 40% खर्चा, 40 खर्चा तो कितना बचा? 60, यानी कितना? 6/10, यानी कितना बचा? 60/100 बोल दोगे। चलो जी, अब जो रिमेनिंग बचा उसका 23 बार गया, 21 डॉटर के पास, 21 डॉटर के पास, 28 डॉटर के पास, 60 गया, तो कितना बचा? 40/100। और उसके बाद क्या किया था? हाफ फैमिली ट्रिप के लिए, यानी कितना? 50/100। और वो क्या बचा? ये सब करने के बाद मेरे पास कितना बचा? ओनली आई एम लेफ्ट विद 12,000, क्लियर। तो ये अब मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिया तो अपना आंसर आ गया। देखो भाई एक बटा दो, तो ये कितना आ गया? 3, 5, 2, 5, 5, 5, 25, दूनी कितना हो गया? 50 हो गए। चलो 2 से 2 काट दो, ये कितना बचा? 5, 5, 25, देखो 3, 4,000, 25 चौके 100, 100 क्या के 3 0 लगाओ, कितना बचेगा? यहां से भी आप इजीली कर सकते हो, बट ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि 3 वाले में उलझ के रह जाएंगे, क्लियर। कि मैंने ये मैंने क्या लिया, मैंने रिमेनिंग मनी लिया भाई, ठीक है। तो यहां से भी आप इजीली इस क्वेश्चन को वेल कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, अब बैट्समैन स्कोर 125 रन्स बाय विच इंक्लूड्स 5 बाउंड्रीज एंड 6 सिक्सेस। देखो बाउंड्री और सिक्सेस का बताऊं, अगर बाउंड्री की बात करूं भाई 4, अगर आपकी बॉल, जैसे कई बच्चे क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए कैसे आसानी से समझा जा सकता है, आप भाई क्रिकेट खेल रहे हो, तो मैं खेल के दिखाता हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे हो भाई, न्यू मारा चौका हमने, अरे वो बॉल गई मैदान के साथ, उड़ती हुई नहीं गई, वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ लगती हुई या एक ठप्पा खा के बाहर चलेगी बाउंड्री से, तो भाई वो होगा छक्का। अरे भाई यो आ रहा महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल का छक्का मारा 11 वाला, तो भाई वो गया सीधा क्राउड में, तो वो गया भाई छक्का, क्लियर। तो ऐसे याद रखो इसको, जो बच्चे क्रिकेट नहीं देखते, जो कि देखते हैं भाई वेल एंड गुड, उन्हें तो पता ही होगा, क्लियर। 5 बाउंड्री, यानी अगर 5 बाउंड्री मारी तो इसका मतलब 20 रन तो भाई बाउंड्री में आ गए, ठीक है। उसके बाद 5 बाउंड्री 6 सिक्सेस, अब 6 की बात करो भाई कितने हैं इंक्लूडिंग 5 बाउंड्री 6 सिक्सेस, तो 36 रन आ गए भाई अपने कितने बाउंड्री में, तो ये कितना हो गया 20 और 36, यानी टोटल 4 रन इन 4 एंड 6 सिक्सेस कितना हो गया? 36 + 20 हाउ मच? 56 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स? तो रिमेनिंग रन्स कितने हैं? 125 में से कितने गए? 56। फटाफट माइनस करके बताओ कितना है? देखो ये कितना बचा? 44 और 25, 44 + 25 कितना बचा भाई? 69, यानी भाई 69 रन बनाए होंगे कितने में से? 125 गुना, जल्दी से इसे बताओ आंसर कितना आ रहा है?
जल्दी से बताओ, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, ये कितना होगा, 56, 56, 6, 5, 11, 9, 6, 15, बिल्कुल सही। तो देखो भाई, 25, 25, 125, 25, 4, 100, तो 69 × 4/5, तो ये कितना होगा, 7, 200, 7 × 2, 7 × 28, 280, 276 बाई 5%। चलो भाई इसको करते हैं जरा सॉल्व। देखो 55 × 25, 55 × 25, 55 1/5% ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये भी भाई आपका HCS 2022-21 का ही क्वेश्चन है। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। चलो बेटा नेक्स्ट पे चल रहे हैं, होपफुली समझ आ गया होगा। देखिए भाई, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये है HCS प्रीलिम्स 2021 GS पेपर 2 का। अब ध्यान से सुनो क्या है, ये स्टेटमेंट दिए हैं मुझे भाई, ठीक है, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे पेपर में, और पूरा का पूरा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था ये। देखो क्या दिए, पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, द कैंडिडेट फॉलोइंग द कंडीशन फॉर सिलेक्टिंग एंड IT ऑफिसर और एन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक IT ऑफिसर को एक ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करना है, उसके कुछ क्रिटेरियाज दिए हुए आपको, ठीक है भाई, इतना स्कोर होना चाहिए, ये होना चाहिए, देखते हैं कौन सा बच्चा सिलेक्ट होता है नहीं होता। देखो भाई पहला क्या दिया, सबसे पहली बात IT ऑफिसर है, तो पहली कंडीशन क्या करिए, BA, BE, BTech इन IT और कंप्यूटर साइंस। मतलब सबसे पहले क्या है, उसकी बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए IT या कंप्यूटर साइंस से, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। कि भैया BE, BTech होनी चाहिए 60% के साथ मिनिमम। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, बी एटलीस्ट 20 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 26 ईयर्स ऑन 2016। कि 20 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, 26 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मेरे को डेट ऑफ बर्थ भी दे दी भाई, कि 1 नवंबर 2016 को वो इस आयु में होना चाहिए, 20 से बड़ा और 26 से छोटा, ठीक है। ही हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन रिटन टेस्ट। भाई कंपनी रिटन टेस्ट ले रही IT ऑफिसर के लिए या जहां भी हो रहा फॉर्म में, 60% मिनिमम होने चाहिए रिटर्न में, और ही है सिक्योर्ड 40 मार्क्स इन इंटरव्यू, और इंटरव्यू में 40 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अब क्या कह रहा है, ए क्या दिया एट टू सेकंड वाली, अब बट इज एन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हिज करियर रेफरेंस एज GM। अगर भाई ये हो गया तो GM जाएगा, अगर फोर वाले में जाता है वो, अगर हो जाती है 70 रिटर्न, ही इज सिक्योर्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। चलो भाई देखते हैं अब दोनों कंडीशन कहाँ पे मेरी सक्सेसफुल होती है। देखो पहला क्या दिया, कुमार वॉज बोर्न इन 19 मार्च 1995। तो सबसे पहली बात, 1995 में वो बोर्न हुआ है, ठीक है, तो क्या 2016 तक वो 26 साल का हो जाएगा, सोच के देखिए। ही सिक्योर्ड 65 मार्क्स इन BE, BTech। तो भैया पहली कंडीशन अपनी ठीक होगी, ठीक है, ही है सिक्योर्ड 62% मार्क्स बोथ इन रिटर्न एंड इंटरव्यू, बिल्कुल जी। देखो अब इंटरव्यू की बात करें, मार्क्स हो गए, ठीक है, क्या उन्होंने इंटरव्यू कुछ दे रखा, 40% आना चाहिए मेरे ख्याल, 40% ही होगा फिर यहाँ पे, क्योंकि मार्क्स तो टोटल मुझे दिए इंटरव्यू में कितने, ठीक है, चलो परसेंटेज से करके देखते हैं, ठीक है जी। है सिक्योर्ड बोथ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोर्स ऑफ एक्शन। देखो सबसे पहली बात, कुमार 20 से 26 साल में आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके BE, BTech में 60 होने चाहिए थे, उसके 65 है भाई, ठीक है अभी। ही है सिक्योर्ड 62% मार्क्स इन बोथ एन इंटरव्यू, वो 62% ही होगा, 40% मुझे लग रहा है 40 मार्क्स नहीं हो सकता, अदरवाइज डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा क्योंकि मुझे नहीं दिया हुआ, क्लियर। तो भैया क्या होगा फिर, कुमार विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि सारी कंडीशन पोस्ट तो पूछी नहीं, तो बस मुझे क्या बोला, कुमार विल बी सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड का तो सवाल ही नहीं, ये भी नहीं होगा। रेफरेंस है GM पोस्ट के लिए क्या चाहिए, मुझे GM पोस्ट के लिए क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए मुझे, तो क्या भाई साहब पोस्ट ग्रेजुएशन है नहीं जी, तो GM के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो GM के लिए क्या चाहिए, एन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कुमार के पास है नहीं, तो सिलेक्ट हो जाएगा वो पिक पोस्ट के अंदर, ठीक है चलिए। चलो भाई नेक्स्ट क्या दिया, वेंकट वॉज बोर्न ऑन 7 नवंबर 1989। अच्छा जी ठीक है, ही है सिक्योर्ड 70% इन BTech एंड 70% इन MTech। अच्छा BTech भी MTech भी है। ही है सिक्योर्ड 65% बोथ रिटर्न एंड इंटरव्यू,
कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सिलेक्ट होगा डाटा नॉट विल बी सिलेक्टेड विल बी रेफरेंस एट अ वीपी पोस्ट। देखो वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो जाएगा नहीं, क्यों सोचो इस क्वेश्चन के बारे में भाई, क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं जाएगा और सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ जी देखो, अब आपने सब कुछ देख लिया, सब ने आंसर भी देख लिया होगा, बट इसका आंसर क्या है, सिलेक्ट होगा लग तो रहा है, बट अगर आप एज देखें 20 से 26 साल के बीच आई है, नहीं है, माफ कीजिएगा नहीं है, वो 26 ऊपर पहुंच गया तो क्या आंसर आएगा, विल नॉट बी सिलेक्ट करके देखें, 26 ऊपर हो गया, 26 ऊपर होना ही नहीं चाहिए, वो 2016 90 में पैदा होता तब जाके आप सोच सकते थे, क्लियर 91 90 में। चलिए भाई, लता वॉज सिक्योर्ड 78% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, चलो भाई 78 आ गए रिटर्न में, 38% मार्क्स इन इंटरव्यू, सी सिक्योर्ड 62% इन बी बीटेक आईटी एंड बॉर्न 12 जनवरी 1991। देखो ये एज भी ठीक है, बट उसने क्या किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोर्स ऑफ एक्शन इफ लता अप्लाइज, सिलेक्ट वीपी नॉट सिलेक्टेड जीएम। देखो वीपी के बारे देखते क्या दिए, क्या दिए, बट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 35% मार्क्स इन इंटरव्यू, बिल्कुल जी, एंड 70% मार्क्स इन रिटन टेस्ट। देखो इसने क्या किया, रिटर्न में कितने हैं, चलो जी 78% इन रिटर्न है एंड 38% इन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए कितने चीज़ें हैं, 35 बोला था, बिल्कुल जी, तो ये आई, ये किसके लिए जाएंगी, शी विल बी ऑफर्ड वीपी पोस्ट, क्लियर। तो ध्यान से करना है, ध्यान से, बिकॉज जब पेपर सामने आता है ना तो लगता है कि सारा कुछ आता है, तो ध्यान से करोगे ना, ये 2-3 क्वेश्चन मेरे टिपिकल से थे, एक स्टेटमेंट दी थी परसेंटेज वाइज और ये सारे जो क्वेश्चन दिए थे, क्लियर, स्टेटमेंट बेस्ड परसेंटेज बेस्ड स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे, क्लियर। चलिए होपफुली समझ आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चले जी, 1100 बॉयज एंड 700 गर्ल्स आर एग्जामिन इन अ टेस्ट, 42% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स पास, द परसेंटेज ऑफ टोटल हु फेल्ड इज, बताइए जी कितने परसेंट बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, 58%, 62.3%, 64% 67%। देखो क्या दिया, बॉयज कितने हमारे पास, 1100, गर्ल्स कितनी है, 700, 42% बॉयज, देखो बॉयज कितने हैं भाई, 42%, 420 प्लस अपना 42, 462 बॉयज होगी, क्लियर, ये कितना होगा भाई, 30%, 7×21 यानी कितना, 210 गर्ल्स, यानी टोटल मिला के मैं बोलूँ 462 प्लस 210 6 कितना हो गया, 72, इतने स्टूडेंट क्या हो गए सिलेक्टेड, इतने स्टूडेंट क्या हो गए बेटा अपने, सिलेक्ट हो गए, द परसेंटेज टोटल हु फेल्ड इज, या सिलेक्ट कह लो या क्या कह लो, पास कह लो, ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मेरे पास, 1100 प्लस 700 1800 पास कितने हो गए, 672, तो फेल कितने हो गए, 1800 माइनस ऑफ 672 कितना आया, 1128 डिवाइडेड बाय 1800 गुना ऑफ 100%। देखो पूरा पूरा कटता तो मुझे भाई दिख नहीं रहा है, तो कितना बचा, 1128 डिवाइडेड बाय 18, तो 6×18, ये टर्म बेसिकली क्या है मेरे पास, ये मेरे पास 1200 माइनस 72 डिवाइडेड बाय कितना, 6 1200 6, तो कितना आ गया, 6 12 टाइम्स, तो 188 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया, 62 2/3 परसेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए थे, ठीक है, अभी पिछले 2 साल के हमारे परसेंटेज के अच्छे से क्वेश्चन आज हमने किए, तो उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएंगे और आपने किए भी होंगे, क्लियर। मैं आपको फिर एक बार बता दूं,
आरंभ हमारी सीरीज हो चुकी है शुरू YouTube पे भी, और हमारे ये सेशंस भी शुरू हो चुके हैं जिसमें क्या है अभिमन्यु आईएएस 41 प्लस सिलेक्शंस थी 2021 में, 27 प्लस सिलेक्शंस थी 2022 में, क्योंकि यहाँ पे 61 बच्चों को ही कॉल आया था और उसमें से 27 बच्चे अभिमन्यु आईएएस से थे जिन्होंने एचसीएस की प्रिपरेशन की थी। तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं, लाइव बैच है 75 डेज का प्रीलिम्स को फोकस करके। ये टोटल फीस 45,000 थी, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड ये भी कितना चल रहा है 35,000, वैलिड ऑफर बिफोर द बेस्ट स्टार्ट। तो बेस्ट स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर से, तो प्लीज इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको देख लेते हैं एक बार। एक्सेस प्रीलिम्स फास्ट ट्रैक बैच है, ये फास्ट ट्रैक बैच है आपका ये, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, आपको बेटा लाइव क्लासेस मिलने वाली है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, आपको सी सेट की डेडिकेटेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, आपको रिविजन क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको मेंटरशिप मिलेगा। तो 21 नवंबर से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ 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 अवेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू।